चीन और भारत के बीच डोकलाम तनाव अब लगभग सुलझ चुका है, लेकिन अब एक और नई सरगर्मी शुरू हो सकती है। चीन और भारत के बीच इस बार पानी पर आग लग सकती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक जुमला भर नहीं है बल्कि इस बात में काफी गहराई है। भारत और चीन पानी के मसले पर आपस में क्यों भिड़ सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल इसकी जड़ में है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी विशाल नदी है जो तिब्बत से निकलते हुए भारत में आती है और फिर बांग्लादेश में जाने के बाद वो गंगा में मिल जाती है। लेकिन अब इसी नदी पर चीन के साथ एक बड़ा विवाद हो सकता है। चीन ने पिछले दिनों एक बड़ी बदमाशी की है। भारत से समझौते के बावजूद चीन ने इस मॉनसून में ब्रह्मपुत्र नदी के वैज्ञानिक अध्ययन, पानी की गुणवत्ता और बाकी जानकारियां नहीं दी हैं, जबकि एक समझौते के तहत चीन का इसे भारत के साथ शेयर करना जरूरी है। चीन ने इस बार एक बहाना बनाया है। चीन ने बहाना बनाया है कि दरअसल वो अपने हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन को अपग्रेड कर रहा है, लिहाजा वो जानकारियां साझा नहीं कर सकता। लेकिन अब असली बात सुनिए, चीन ने जो जानकारियां भारत के साथ साझा नहीं की, उसने वही जानकारियां बांग्लादेश के साथ शेयर की हैं। यानी ये जानकारियां जानबूझकर भारत को नहीं दी गई। अब समझिए कि चीन की इस बदमाशी से भारत को क्या नुकसान होगा। दरअसल ब्रह्मपुत्र से आने वाले पानी का बहाव अक्सर भारत के कई इलाकों में बाढ़ की विभीषिका लेकर आता है और चीन से मिलने वाला हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत में डैमेज कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन चीन ने इस बार जानबूझकर भारत को ये डेटा दिया ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, चीन को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कितनी बर्बादी मचाती है। दरअसल ये चीन का भारत पर एक अलग तरह का हमला है। भारत ने फिलहाल अब तक हाइड्रोलॉजिकल डेटा को लेकर चीन को कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चीन का हाइड्रोलॉजिकल डेटा को लेकर ये भेदभाव भारत के साथ चीन के रिश्तों में एक नई खटास शुरू कर सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।